नमस्ते मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आ, ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो डिसाइड करते हैं कि आपका आई सक्सेसफुल होगा कि नहीं जी हाँ ये सीक्रेट्स यानी कि ये जो गुप्त बातें हैं ये मैं आज आपसे ओपनली शेयर करूँगी और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में ऐसी कुछ बातें हैं जो आम तौर पे मरीजों को पता नहीं होती पर आईवीएफ के सक्सेस में उन बातों का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है हम तीन तरह की बातों के बारे में चर्चा करेंगे पहला है पेशेंट फैक्टर्स यानी कि पेशेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यानी कि साइकल फैक्टर्स आईवीएफ के साइकिल में ऐसे क्या दो तीन चीज़ें सीक्रेट होती हैं जिसमें सक्सेस का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है और तीसरा और आखिरी जो है वो लैब फैक्टर्स यानी कि आईवीएफ लैब किस तरह की है क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी हुई है और ये कैसे डिसाइड करती है आईवीएफ के सक्सेस को इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आइए सबसे पहले देखते हैं क्या वो पेशेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आईवीएफ सक्सेसफुल होगा कि नहीं जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सक्सेस में है वो है महिला की आयु जैसे जैसे महिला की आयु बढ़ती है वैसे वैसे सक्सेस का उसका प्रतिशत कम होता चला जाता है समय के साथ में अंडे की संख्या तो कम होती ही है परंतु अंडे की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है और इससे जो प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने का चांस है वो कम हो जाता है मान लीजिए कोई व्यक्ति महिला पच्चीस साल की है और एक दूसरी महिला पैंतीस साल की है यदि दोनों के एग्स बराबर नंबर में बनते हैं तो भी जो महिला 25 साल की है उसका कंसीव होने का चांस जो है वो 35 वर्ष की महिला से लगभग दुगुना है दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एग और स्पर्म की क्वालिटी हम अक्सर ये सोचते हैं कि आई में तो एम्ब्रेज लैब में ही बनाए जाते हैं तो एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी भी हो एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है वो तो आई प्रोसेस पर निर्भर करती है परंतु ऐसा नहीं होता है उसका रीज़न ये है कि एम्ब्रियो जो है वो और कुछ नहीं है केवल एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन है डॉक्टर का, का काम केवल ये है कि उसका फ्यूजन करना यानी फर्टिलाइजेशन करना जैसा कहा जाता है गार्बेज इन इज़ गार्बेज आउट यदि एग की क्वालिटी कमज़ोर है स्पर्म की क्वालिटी कमज़ोर है तो जो होने वाला एम्ब्रियो होगा उसकी भी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी कल्चर मीडिया से कल्चर टेक्निक से आईवीएफ की प्रोसेस से हम इसको कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं परंतु पूरी तरह से जो है वो पुअर स्पर्म और एग क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता इसीलिए यदि किसी दंपत्ति की एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी ये अच्छी है उनके आईवीएफ में जो सक्सेस का प्रतिशत है वो ज़्यादा रहेगा अब इसके बाद हम आते हैं साइकिल से संबंधित फैक्टर्स पर यानी आईवीएफ साइकल्स साइकिल्स में क्या वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा वैसे तो इसके बारे में लगभग 40-50 चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ पर मुख्यतः जो तीन चीज़ें हैं जो पिछले दशक में हमने डिस्कवर करी हैं आज हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहली जो डिस्कवरी है जो पिछले पांच सालों में बहुत ज्यादा आगे आई है वो ये है कि फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल्स का रिजल्ट जो है वो फ्रेश एम्ब्रियो साइकिल्स की अपेक्षा ज्यादा रहता है इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति का फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल ही होगा क्योंकि ये जो डिसीजन है ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है ये हर मरीज के लिए अलग होगा परंतु यदि हम ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स में लगभग पाँच से बारह प्रतिशत जो है वो प्रेगनेंसी रेट हमारे यूनिट में भी हमें ज़्यादा मिलता है दूसरा एक सीक्रेट है वो है ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र ब्लास्टोसिस ट्रांसफर का मतलब है कि पाँचवें दिन के एम्ब्रियो को हम यदि ट्रांसफर करते हैं तो डे थ्री के बजाय हमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिलता है अब ये भी समझना पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हर पेशेंट में ब्लास्टोसिस ट्रांसफर जो है वो उपयुक्त नहीं है इस विषय पे हमारा वीडियो है उसको भी आप चेक कर सकते हैं परंतु हाँ डे थ्री की अपेक्षा डे फाइव में ट्रांसफ़र जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण जो है जिसके बारे में पेशेंट्स पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं वो है आई लैब की क्वालिटी हम आमतौर पर आई वी लैब में क्या होता है ये बिल्कुल नहीं जानते आई वी लैब की क्वालिटी कैसे निर्धारित होती है अंदर किस तरह के कल्चर मीडिया इस्तेमाल हो रहे हैं अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसकी निपुणता कितनी है इसके बारे में पेशेंट्स को कुछ भी पता नहीं रहता जबकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सक्सेसफुल आई में तो so, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो कौन होते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो एम्ब्रियो को बनाते हैं जो क्रिएट करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है साथ ही साथ एग्स को स्क्रीन करना स्पर्म्स को प्रिपेयर करना इनका फर्टिलाइजेशन करना एम्ब्रियोज़ की देखभाल करना लैब में क्वालिटी चेक्स को मेंटेन करना ये सारा काम जो है ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होता है एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है ये लैब की बैकबोन है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ जो है वो लगभग 50 परसेंट रिस्पॉन्सिबल है आपके सक्सेस के लिए तो जब भी हम क्लिनिक का चुनाव करें केवल क्लिनिशियन को देखकर नहीं चुनाव करिए हमेशा पता करिए कि वहां पर कौन एम्ब्रियोलॉजिस्ट कार्यरत है फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विजिटिंग पर्सन है जो आके और चला जाता है ये प्रोसेस सारा विजिटिंग लोगों के द्वारा किया जा रहा है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है लैब की एयर क्वालिटी यानी कि आईवीएफ लैब में जो फिल्टर्स लगे हुए हैं वहां की जो एयर क्वालिटी है वो किस तरह की है इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार जो आई वी एफ लैब्स हैं वो क्लास वन थाउजेंड या क्लास टेन थाउजेंड होने चाहिए क्लास वन थाउजेंड आई वी एफ लैब का अर्थ है कि एक क्यूबिक फीट में हजार से कम पॉइंट फाइव माइक्रॉन के पार्टिकल्स होने चाहिए जब पार्टिकल्स की मात्रा कम होगी तो जो एम्ब्रियो को वातावरण मिलता है वो शुद्ध वातावरण मिलता है और ऐसे लैब्स में जहाँ एयर क्वालिटी अच्छी है वहाँ पर एम्ब्रियज का जो विकास है जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है खास तौर पे जब हम चैलेंजिंग पेशेंट्स की बात करते हैं यानी कि वो पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा है जिनके प्रीवियस आई वी फेलियर्स हैं जिनकी एम्ब्रियोज़ uh, में फ्रैगमेंटेशन आया है पिछले साइकिल्स में ऐसे केसेस में लैब एयर क्वालिटी जो है ये क्रिटिकल होती है सक्सेस के लिए तो साधारण लैब्स में कई बार फिल्टर्स इंस्टॉल नहीं किए जाते एचवैक सिस्टम नहीं होता एचवैक का अर्थ होता है हाई वेंटिलेशन एयर चेंजेस एच सिस्टम से जो एयर है वो प्योरीफाई होती रहती है पार्टिकल काउंट्स मॉनिटर किए जाते हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी जो होते हैं उनका प्रतिशत हम कम से कम रखना चाहते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन के इमर्ज हुआ है और ये वाकई में देखा जाए तो एक सीक्रेट है आई सक्सेस का जो केवल आई स्पेशलिस्ट जानते हैं अभी तक पेशेंट्स इससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है सक्सेस में वो ये है कि क्या आपका आई बैच आई तो नहीं बैच आई यानी कि पेशेंट्स को एक ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है एक ही दिन में सारे पेशेंट्स का प्रोसीजर किया जाता है एक ही विजिटिंग डॉक्टर या एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये प्रोसेस करके और चले जाते हैं बैच आई छोटे शहरों में जहाँ पे सुविधाएं नहीं है जहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर्स एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ पे किया जाता है डेफिनेटली सक्सेस इसमें मिलता है परंतु इसमें हम वो क्वालिटी वो गुणवत्ता नहीं दे सकते क्योंकि जब मल्टीपल पेशेंट्स एक ही दिन में किए जाते हैं तब जो इनक्यूबेटर्स हैं उन्हें बार बार खोला जाता है उनके अंदर वो जो एयर क्वालिटी है जो कल्चर कंडीशंस है वो मेंटेन नहीं हो पाती इसके अलावा भी बैच आईवीएफ के कई सारे नुकसान हैं तो यदि आपका प्रीवियस आई साइकिल जो है वो बैच में हुआ है तो बेटर है कि इस बार आप रिस्क न लेते हुए ऐसे सेंटर को चूज़ करिए जहाँ पर ऑनगोइंग गोइंग आई साइकिल्स होते हैं एक दिन में चार से पाँच से ज़्यादा आई आइडियली जो है वो नहीं किए जाने चाहिए आशा करती हूँ कि इन सीक्रेट से आपको मदद मिली होगी और ये आपको सक्सेस के एक कदम और पास लेके जाएंगे इस विषय में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिए थैंक यू